हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे इंडक्शन आपका ख़राब हो चुका है या फिर चल नहीं रहा या बटन नहीं काम कर रहा या उसका सर्विस कैसे करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इंडक्शन है, इसको हम खोलेंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से इसको खोल लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रही, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी स्किप करेंगे आप, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रही हमारे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इसको हम खोल लेंगे यहाँ से। ये देखिए आप, ये चारों पेज खोल लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हम, उसके बाद इसको हम उठा लेंगे। ठीक है, खोल के ये देखिए, ये देखिए मेरा कितना धूल जमा हुआ है, कितनी गंदगी हो गई। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दिन से आपका ये सर्विस नहीं होता या तो चलता नहीं, इसके लिए बटन नहीं काम करता। ठीक है, तो उसको हम आज सही कैसे करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। ये देखिए कितनी गंदगी जमी हुई है, कितना धूल डस्ट आ गया इसमें। तो हम एक एक पार्ट्स को खोल करके पूरा सफाई करेंगे पहले, और कैसे साफ करेंगे, किस चीज़ की मदद से, पहले हम चेक करेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ से लगा लेंगे, उसके बाद हम ये चालू करेंगे यहाँ से। देखिए मेरा बटन थोड़ा स्लो है, ये देखिए बटन थोड़ा कम काम कर रहा है। तो इसको हम कैसे सफाई कर देंगे तो हमारा चलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रही, तभी आपको समझ में आएगा। हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो ज़रा भी स्किप मत करना। ये हमारा इंडक्शन है। ठीक है, आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बटन थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ये देखिए बटन हमारा स्लो काम कर रहा है। वही वो जो डस्ट आ जाता है, इसको सफाई नहीं होता, सर्विस नहीं होता, इसके लिए बराबर काम नहीं करता है। देखिए मेरा बराबर काम नहीं कर रहा है ये बटन इसका। ठीक है, पूरा इसको पूरा साफ करेंगे। पहले एक एक पार्ट्स निकाल लेंगे इसका, उसके साफ करेंगे, उसके बाद कैसे साफ करेंगे, किस चीज़ से साफ करेंगे, सारी जानकारी हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पहले इसका ये जो है जैक, इसको निकाल लेंगे यहाँ से, पीसीबी का ये जो है। ठीक है, ये इसको निकाल के बाहर कर लेंगे। ठीक, यहाँ से इसको बाहर कर लेंगे। इसको भी हम बाहर कर लेंगे, निकाल लेंगे इसके अंदर से, बॉक्स के अंदर से पूरा गंदगी आ जाता है इसके अंदर, पानी वानी गिर के। देखिए पूरा पानी वानी गिर के पूरा गंदगी आ गया। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, पूरा एक एक पार्ट सब साफ़ करेंगे। ठीक है, और कैसे साफ़ करेंगे सब बताएंगे। इसको सबसे पहले हम साफ़ कर लेंगे, देखिए कितनी गंदगी जमी हुई इसमें, इसी सब के कारण ख़राब हो जाता है। और इसको आप हर 6 महीने साल भर पे इसको सफाई करते रहिए, तो जल्दी से ख़राब नहीं होता। ठीक है, देखिए हमारे ये पंखे में देखो कितना धूल जमा हुआ है, इसके फ़ैन में देखिए कितना धूल जमा हुआ, डस्ट जमा हुआ है पूरा, इसी सब के कारण पूरा अंदर चला जाता है तो ख़राब हो जाता है। इसको आप सफाई करते रहिए हर 6 महीने साल भर पे, पूरा एक एक पार्ट निकाल के साफ करेंगे, और फिर उसके बाद इसको सही करेंगे। ठीक है, इसको भी खोल लेंगे हम यहाँ से, इसको भी अंदर से पहले पूरा एक एक पार्ट्स खोल करके साफ करेंगे, यहाँ से जैक निकाल लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रही, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो
में नए हैं दोस्तों तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो लाते रहते हैं। देखिए पूरा डस्ट पूरा जमा हुआ भरा हुआ है, तो हमारा जो फ़ैन का हवा है वो पास नहीं होता बराबर, तो उससे भी हमारा फ़ैन जलने का डर रहता है। ये देखिए मैं इसको ब्रश के सारे इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे पूरा डस्ट जो इसमें जमा हुआ है धूल। अच्छे से इसका सर्विस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले देख लेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा रहता है, तभी आप उसको खोलना निकालना, ठीक है दोस्तों। देखिए पूरा जमा हुआ धूल हमारे फैन की जगह पे, इधर देखिए ये पूरा कितना जमा हुआ है, हवा ही पास नहीं होता है तो कैसे सही होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा, हम आपको पूरी सर्विस करेंगे इसमें। उसके बाद फिर से जैसे ही उसमें से निकाले तो वैसे ही बैठा देंगे इसके अंदर, पेच लगा देंगे यहाँ से, तो पेच वेच लगा देंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। कितना सारा धूल जमा हुआ है इसमें तो इसको हम अच्छे से साफ का सर्विस कर देंगे ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो। देखिए कितना डस्ट है, जब ये देखिए डस्ट कितना निकला इसमें से, दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए ये देखिए डस्ट कितना निकला, ये सब जम जम जाता है उसके अंदर तो ख़राब हो जाता है। तो हर 6 महीने साल भर पे इसको सफाई करते रहिए ताकि आपका जल्दी से ख़राब ना हो, आपका नुकसान ना हो, ठीक है दोस्तों। इसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे, देखिए पूरा उसके प्लेट पे पूरा आ गया है, ठीक है कांच पे, तो उससे बराबर काम भी नहीं करता है हमारा जो हीटिंग हीटिंग नहीं करता, तो उसमें कुछ गर्म नहीं होता, जल्दी से स्लो हो जाता है। इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे, ये देखिए पेट्रोल लेंगे थोड़ा सा, पेट्रोल और ब्रश के सहारे से इसको हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये पेट्रोल है, पेट्रोल से साफ़ करेंगे और किसी चीज़ से नहीं साफ करेंगे, नहीं ख़राब हो जाएगा आपका। पेट्रोल से इसको अच्छे से हम दोनों साइड में साफ़ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। दोनों साइड में अच्छे से इधर भी उधर भी साफ़ कर लेंगे, ब्रश से हल्के हाथ से इसको हम साफ़ कर लेंगे ताकि जो मेरा बटन वटन काम करना बंद हो जाता है, सिलो हो जाता है, तो वो सब सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर से हम इसको वापस से लगा देंगे जैसा लगा था वैसे इसको हम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको लगा करके उसके बाद जैक हम लगा देंगे यहाँ से, देखिए जैक यहाँ से लगा देंगे, यहाँ से लगाने के बाद इसको हम फिर से वापस बंद कर देंगे यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ये बताएं कैसी रही वीडियो। यदि इसको उसके बाद हम फिर से वापस पेच लगा देंगे उसी में, देखिए फिर से वापस हम इसको पेच लगा देंगे वैसे ही साफ करके, ऊपर भी साफ़ कर देंगे अंदर भी साफ़ करके पेच लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पूरा सर्विस हो चुका है ये, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कैसी रही वीडियो। थैंक्स फॉर वॉच।